डॉग लव्स मैन इज अ गुड मैन, मैन लव्स डॉग इज अ गुड मैन। जी हाँ दोस्तों, अगर एक कुत्ता, एक डॉग एक आदमी की जिंदगी बचाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब एक कुत्ते की वजह से एक आदमी की जिंदगी बच जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यही सब दिखाया है या मतलब दिखाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं पाताल लोक में। तो मैं आशीष सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पाताल लोक के रिव्यू में एस ए प्रोडक्शन की तरफ से। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीरीज कितनी लंबी है, कहाँ है, कैसे है। तो पाताल लोक के 9 एपिसोड हैं जिसमें आपको देखने में लगभग 6.5 घंटे के आसपास आपका टाइम लगेगा। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और ये आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल रह जाएगी। 15 मई से ये लाइव हो चुकी है, प्रीमियर हो रहा है इसका अमेजोन प्राइम पे। अभी रिसेंट ही मैं ये पूरी सीरीज देख के हटा हूँ। मेरी बात मानो तो एक अच्छी वेब सीरीज वो होती है जिसे आप एक एपिसोड को देखना शुरू करो और लास्ट तक, जब तक आप सारे एपिसोड ना देख लो तो आपके मन में उसे देखने के क्यूरियोसिटी रहे। मतलब कि आप जब तक सारे एपिसोड ना देख लो आप शांत ना बैठ सको, और कोई भी एपिसोड में कहीं भी आप कोई पार्ट स्किप ना करो। इवन अगर कोई पार्ट आप बैकवर्ड करके देखो, मतलब दोबारा देखो कुछ सीन्स कुछ, तो वो एक सीरीज वेब सीरीज सबसे बेहतरीन वेब सीरीज होती है। सेम ऐसा ही आपको पाताल लोक के साथ देखने को मिलेगा। पाताल लोक एक ऐसी वेब सीरीज है जो मेनली 3 कैरेक्टरों के आसपास घूमती है, जिसमें से मेन है हाथीराम चौधरी, जो सबसे ज़्यादा आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे इस पूरी सीरीज में, जिन जो कैरेक्टर जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दीपक अहलावत। उसके बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे आपको, संजीव मेहरा नाम है कैरेक्टर का, वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड आते हैं आपको हथौड़ा त्यागी, विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी नाम उस कैरेक्टर का, वो देखने को मिलेगा आपको। अगर हम लोग इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो एक अच्छी स्टोरी लाइन है जिसमें एक गैंगस्टर दिखाया है सीरियल, और साथ में एक पुलिस का कैरेक्टर दिखाया और एक मीडिया दिखाई है। मीडिया का जो है, अगर स्टोरी जो शुरू होती है वो शुरू होती है एक मर्डर के, जो एक जो हथौड़ा त्यागी दिखाया उसके, वो और उसके 3 मतलब साथी जिन्हें वो जानता नहीं है, वो साथी बस जो खाली उस मतलब उस मर्डर के लिए उनको दिया गया है, तो वो उसको मर्डर करते हैं पर उसका मर्डर वो करते नहीं है। उसका मर्डर करने के लिए वो निकलते हैं तो उनको रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। देन वो केस हाथीराम चौधरी के पास जाता है। हाथीराम चौधरी इसमें एक ऐसा पुलिस वाले दिखाए हैं जो अपने प्रमोशन को लेके डेस्परेट रहते हैं, जिनको प्रमोशन चाहिए, घर में बीवी उनको बेकार मानती है, ताने देती है, बच्चा उनकी नहीं सुनता उनका, तो उस तरह का एक करेक्टर है वो। साथ में अगर हम लोग हथौड़ा त्यागी की बात करें, हथौड़ा त्यागी एक ऐसा करेक्टर है इसमें जिसने स्कूल में ही अपने 3 मर्डर कर दिए थे हथौड़ा से, मतलब हथौड़े से, जब इसका उसका नाम हथौड़ा त्यागी पड़ा। चौथा आता है आपका संजीव मेहरा, जो एक न्यूज़ एंकर हैं और एक न्यूज़ के जो मतलब बिजनेस न्यूज़ या न्यूज़ के चैनल एंकर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत हैं उस तरह के एंकर है जो काफ़ी फेमस है। तो अब आता है कि इसमें पाताल लोक ये स्वर्ग लोक की जो उसका पूरा वो चल रहा था टीजर में, उसका क्या सीन था? टीजर का सीन ये था कि बस पाताल लोक का ये है, कहीं ना कहीं इसमें दिखाया गया है कि 3 लोग दिखाए गए। एक लोग होता है जिसमें वो हाई स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, सेकंड जिसमें मिडिल क्लास लोग रहते हैं जिसमें हाथीराम चौधरी आता है, थर्ड आते हैं आपके इसमें जैसे हथौड़ा त्यागी रहता है वो है आपका पाताल लोक, और जो फर्स्ट जो ऊपर आते हैं जिसमें बिजनेस से संजीव खरा जैसे लोग रहते हैं स्वर्ग लोग, वो दिखाया गया। अगर आप सीरीज की बात करें तो पूरा टाइम मतलब आपका यूटिलाइज हो जाएगा लॉकडाउन का। एक अच्छी वेब सीरीज है मिर्ज़ापुर के बाद मुझे काफ़ी अच्छी वेब सीरीज कोई देखी है मैंने। उसके अलावा वेब सीरीज अच्छी आती हैं जैसे भोकाल आई थी, पर एक अच्छी वेब सीरीज है, आप पूरा टाइम आराम से देखेंगे, आपको पूरा एंजॉय होगा, आपका पूरा माइंड वॉश होगा, मतलब आप हर चीज़ को सोचने मजबूर करोगे क्यों किसने किसको मारा, कौन किसको कब मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा।
अगर हम लोग, मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको बता सकता हूँ, पर उसके बाद आपको सीरीज देखने में मज़ा नहीं आएगा वेब सीरीज। तो देखिएगा कि क्यों हथौड़ा त्यागी संजीव मेहरा का मर्डर करना चाहता था, क्या हाथीराम चौधरी इस केस को सुलझा पाता नहीं सुलझा पाता, या हाथीराम चौधरी खुद इस केस में फंस जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो एक बार देखिएगा ज़रूर। मेरी तरफ से फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।